भवन में 11वें इंडियन स्टोन मार्ट के आयोजन के लिए रिको, सिडॉस और फिक्की के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए हैं और एमओयू पर रिको की ओर से एमडी गौरव गोयल, सिडॉस की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकुल रस्तोगी और फिक्की के उप महासचिव मानव मजूमदार ने हस्ताक्षर किए। अब 2 साल तक आयोजन का प्रचार होगा और 2021 में स्टोन मार्ट का आयोजन किया जाएगा। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 11वें इंडियन स्टोन मार्ट के आयोजन को लेकर उद्योग भवन में मंत्री परसादी लाल मीणा की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। साल 2021 में हो रहे स्टोन मार्ट को और अधिक विस्तार देते हुए इस आयोजन में अन्य देशों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। स्टोन मार्ट के 10वें एडिशन में भी नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। देश के विभिन्न प्रदेशों के साथ ही 7 देशों ने इसमें हिस्सा लिया और करीब 1850 करोड़ रुपए की बिजनेस इंक्वायरी रही। स्टोन मार्ट ऐसा आयोजन है जिसमें वैश्विक भागीदारी के साथ ही लाभदायकता रहती है। दुनिया भर के बायर सेलर्स की प्रत्यक्ष भागीदारी रहती है। स्टोन मार्ट में देशी विदेशी एग्जीबिटर्स के साथ ही आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, इंजीनियर्स और इस क्षेत्र से जुड़े दुनिया भर से प्रतिभागी आते हैं। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने इस मौके पर कहा कि राजस्थान के स्टोन उद्योग की विश्वव्यापी पहचान को और अधिक विस्तारित करते हुए इस क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने, निर्यात को बढ़ावा देने और मूल्य संवर्धन के प्रयासों को और अधिक गति दी जाएगी। आज जो एमओयू है 2021 के लिए, ये बहुत ही सफल होगा। अभी राजस्थान में हुआ, अभी पिछले दिनों सबसे ऐतिहासिक समिट रहा, बहुत अच्छा कारोबार हुआ, बहुत ही उसमें सरप्लस मनी रही और स्टोन मार्ट का काम राजस्थान में और भी आगे बढ़े, इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। रिको के प्रबंध संचालक गौरव गोयल ने बताया कि हम चाहते हैं विदेशी निवेश ज्यादा से ज्यादा आए, इसलिए अन्य देशों की भागीदारी भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। एमओयू के अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, प्रमुख सचिव एमएसएमई आलोक, आयुक्त डॉक्टर कृष्णा कांत पाठक, एमडी आरएफसी उर्मिला राजौरिया, सिडॉस के उपाध्यक्ष अशोक धूत, फिक्की के महासचिव बलविंदर सिंह साहनी सहित उद्योग, रिको और अन्य संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अगली खबर का रुख करते हैं राजधानी के पिंक सिटी प्रेस क्लब में। राजस्थान प्रांत की गैर सहायता प्राप्त बजट निजी स्कूलों के संगठनों और संचालकों की संयुक्त बैठक हुई। राष्ट्रीय संगठन निसा के तत्वाधान में आयोजित बैठक के बाद प्रेस वार्ता की गई। निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2019 की घोषणा ऐसे समय पर की गई है जबकि पूरे देश के स्कूलों में छुट्टियां चल रही है। ऐसे में शिक्षा नीति का विस्तृत और गहन अध्ययन करके चर्चा करना, सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करना संभव नहीं है। जिस पॉलिसी को बनाने में कमेटी ने 3 से ज्यादा सालों का वक्त लिया है, उस 648 पेज की पॉलिसी का विश्लेषण कर सुझाव और आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए मात्र 30 दिन का समय ही दिया गया है, जो कि पर्याप्त नहीं है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि इसे कम से कम 2 महीने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे आपत्तियों के बाद दोबारा जारी ड्राफ्ट पर प्रति आपत्ति फिर से सुझाव का भी समय दिया जाना चाहिए, तभी ये एक व्यवहारिक रूप ले सकती है। तो हमारा सुझाव यह है कि 648 पेज की पॉलिसी है और 2 लैंग्वेजेस में है, हिंदी और इंग्लिश में। बहुत विस्तृत पॉलिसी है। स्कूल छुट्टियों के दौर में जा रहे हैं, ज़्यादातर भी स्कूल संचालक जो हैं इस समय आउट ऑफ स्टेशन हैं परिवार के साथ। तो 648 पेजों पर 1 महीने के अंदर राय और बहुत असंभव है। और ये 1986 के बाद जो एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, इसने आगे कब बनना है, पहले 1968 में बनी थी, फिर 86 में, और इस पर बहुत सारे देश का भविष्य इस पर जो है निर्भर है। इसलिए इसको आनन फानन में जो है 1 महीने का समय बहुत कम है, इसके लिए 2 महीने का समय और इस पर एक्सटेंड करना चाहिए ताकि इसको स्टडी करके विस्तृत राय पूरा देश दे सके और इसको हर लैंग्वेज में प्रकाशित करना चाहिए। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ठेकेदारों को तो पहले से ही पैसे नहीं मिल रहे थे, अब तो कर्मचारियों को भी वेतन देना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसा आर्थिक कुप्रबंधन का समय हमेशा के लिए राजस्थान याद रखेगा। राठौड़ ने इस मुद्दे पर आगामी दिनों में विधानसभा में कर्मचारियों की तरफ से आवाज उठाने की भी बात कही है। सरकार ने जब से काम प्रारंभ किया है, आर्थिक रूप से आपातकाल अघोषित रूप से लग चुका है। अब तो इस प्रकार के स्थिति पैदा हो गई है कि कर्मचारियों का वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा, विकास के काम पूर्णतः अवरुद्ध है
आर्थिक कुप्रबंधन इस प्रकार का इस सरकार ने किया है जो समय बहुत। जयपुर जिले के शिवदासपुरा थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। पुलिस के मुताबिक सभी वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, साथ ही इस बारे में खान विभाग को भी सूचना दे दी गई है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के बाद, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिया कुमारी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन काफी बार मनाने के बाद वो चुनाव लड़ने के लिए राजी हुई। ये खुलासा सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। द न्यू जेसी शो में चैनल हेड जगदीश चंद्र के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने राजस्थान को लेकर और भी कई बातें कही हैं। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभालने के बाद यह उनका सबसे पहला इंटरव्यू है और करीब 40 मिनट के इस इंटरव्यू में जावड़ेकर ने घाटे में चल रहे चैनल्स को लेकर पूरा भरोसा दिलाया है कि कायदे कानून के तहत हर संभव मदद दी जाएगी। राजस्थान में दिसंबर में भाजपा हारी विधानसभा का चुनाव और 3-4 महीने बाद में 25 में से 25, तो ये सिक्सर कैसे लगाया आपने? ऐसा है, पहले तो आपको मालूम है जहां लोगों को जोड़ा हमने, जैसे हनुमान बेनीवाल को अलग लड़ा था, हमारा ही विधायक था पहले, लेकिन अलग लड़ा तो 3 विधायक भी आए और 12 लाख वोट लिए। कर्नल बैसला भी हमारे एक बार उम्मीदवार थे, लेकिन इन सब अलग अलग हो गए थे, सबको इकट्ठा जोड़ा। उसके साथ साथ मोदी जी का एक ज़बरदस्त पूरे देश भर में जो माहौल था वो राजस्थान में था। लोग कन्विंस थे क्योंकि लोग अच्छा, विधानसभा में भी हमारा जो पराजय हुआ वो क्या था, 1.5 लाख वोट कम थे कांग्रेस से। कांग्रेस ये गलती में रह गई कि हम जीत गए तो हमें जीतम मया, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं, हमारी 20 सीट तो आनी ही है क्योंकि ये इतिहास है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि केवल 1.5 लाख वोट कम थे, हर बूथ पे केवल 3 वोट कम थे, और इसलिए विधानसभा में बहुत ज़्यादा हमारा जबरदस्त पराजय हुआ ऐसा नहीं। हाँ, सीटें जरूर कम हुई, उसके अनेक कारण थे और उन कारणों को रिपेयर करते हुए हमने इस बार सारी मेहनत की और लोगों ने विजय दिया है, 25 के 25 सीटें। हनुमान बेनीवाल के गहलोत साहब से डील हो गई थी, 11th आवर पे आपने कैसे कैच किया उसको? हनुमान बेनीवाल जब मुझे मिले तो पहले बताया, प्रकाश जी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, तो विधानसभा में ही हमें साथ चलते ये हुआ। तो सबका विश्वास मिलता है, आप अगर जेन्युइन है तो आपको विश्वास मिलता है। और कर्नल किरोड़ी बैंसला और किरोड़ी लाल, इनको आपने किरोड़ी इनको वहाँ दौसा में अमित शाह के सामने एक मंच पे लाए, अद्भुत। नहीं, ये तो देखो, क्योंकि समाज में सबकी इज्जत करना है और सबका जो उनके मन की भावना है वो मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते थे, और जुड़ना चाहते थे तो उनको स्थान देकर अलायंस करने का, हमारे थोड़ी चर्चा हुई कि अलायंस करे या मर्ज करे, लेकिन उनको अलायंस चाहिए था तो हमने किया। और किरोड़ी लाल बैसला और ये तो आए, और किरोड़ी लाल मीणा और बाकी भी सब सक्रियता से काम किया। मुझे लगता है जिन्होंने थोड़ा जरा उनके मन में संभ्रम था, साथ दे न दे, उम्मीदवार के बारे में कुछ कहना है या कोई कुछ है, वो सब धीरे धीरे जैसे लोगों का समर्थन देखा खत्म हो गया और सब काम में लगे, उसका भी महत्व है। देवी सिंह भाटी को मैनेज नहीं कर सके, ऐसा एक हाथ नहीं होता है मैनेज, तो दुर्भाग्य है। उन तक भी हमने मैसेज पहुंचाया कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, होने वाला तो ऐसा कुछ नहीं है, अर्जुन मेघवाल आने ही वाले हैं चुन के और भारी मतों से आएंगे, तो आप, लेकिन वो आपको मालूम होगा 2003 में जब वसुंधरा जी को भारतीय जनता पार्टी ने पेश किया और एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया, तब उनकी यात्रा निकली थी, तब भी यात्रा के सामने वो हर जगह प्रदर्शन वगैरह करते थे, तो अब कुछ लोगों की आदतें नहीं भी सुधरती, अब लोगों ने उनको सबक दिया है। तो सबसे एक दिलचस्प सवाल ये है कि वसुंधरा जी को कैसे मनाया आपने, वो तो रूठी में थी। नहीं, पहले तो वसुंधरा जी एक हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वसुंधरा जी हम तो मेरे व्यक्तिगत, हम युवा मोर्चा के दिनों से साथ में काम किए हैं। विजय राजे जी का मेरा बहुत स्नेह था, प्यार था, और इसलिए एक बेसिक विश्वास का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता है, और मैं भी खुलकर बात करता हूँ, वो भी खुलकर बात करती है, और इस बोलने से या खुलकर बात करने से हम में कोई द्वेष या कोई वैर भाव नहीं तैयार होता है।
मुझे लगता है इसी कारण खुलकर बात करने में सबका विश्वास मिलता जाता है। तो प्रकाश जावड़ेकर का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं रात 11:56 पर। उसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।